भारतीय मानक ब्यूरो उत्तराखंड के वैज्ञानिक और प्रमुख सौरभ तिवारी ने अक्षय तृतीया के मौके पर पत्रकार वार्ता में बताया कि ग्राहक हॉलमार्क के ही आभूषण खरीदें, इससे धोखाधड़ी की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। देश भर में भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से 392 जनपदों में हॉलमार्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इनमें उत्तराखंड के भी 6 जनपद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सालाना 40 लाख रुपये से अधिक के गहनों को विक्रय करने वालों के लिए ये अनिवार्य है कि वो हॉलमार्क का ही सोना बेचें। ऐसा नहीं करने पर अगर कोई पकड़ा जाता है तो जुर्माने के साथ ही कारावास तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने BIS के ऐप के बारे में भी जानकारी दी। बताया कि इस ऐप के जरिए सोने के आभूषणों की प्रामाणिकता की जांच आसानी से की जा सकती है। देखिए, उत्तराखंड में हमारे 6 जिले हैं जहां पर ये स्कीम इस समय अनिवार्य है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, अनिवार्य होने का आधार ये है कि इन 6 जिलों में हमारे 10 से अधिक जो है एसिंग सेंटर इस समय कार्यरत हैं। दूसरा, जो आपने कहा कि इसके देखिए फ़ायदे ही हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है, और फ़ायदे दो तरीके से हैं। एक तो ये है कि सोना एक बहुत ही बहुमूल्य वस्तु है, और जब हम उसको खरीदते हैं तो हमारा बहुत ही गाढ़ी कमाई इसमें लगाते हैं जो भी हमारे उपभोक्ता हैं। तो हम ये इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब भी हम कोई आभूषण खरीदें उसकी प्योरिटी, शुद्धता जो है वो प्रमाणित हो।